वेलकम लीडर्स, आप सभी का स्वागत है एमएलएम गुरु जी यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हर एक वीडियो आप सभी की रिक्वेस्ट पर बनाया जाता है। वीडियो आ चुका है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हम कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं बनाते, हम फ्री वीडियो बनाते हैं, आप लिए जानकारी जुटाते हैं और आपको बताते हैं। इसे चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहता हूँ, अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके उसका नाम बताएं, हम उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे एड्स कॉइन के बारे में। काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो वीडियो आ चुका है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। एंड वैसे मैं इसके ऑलरेडी काफी वीडियोज बना चुका हूँ, शायद 2 से 3 वीडियो बना चुका हूँ, एंड आप उनको भी जाके देख सकते हैं, और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसा मैंने वीडियोस में बताया था, उनमें सेम टू सेम ऐसे ही वर्क कर रहे हैं, यानी मैंने उन वीडियोस में बताया था कि यह टोटली स्कैम है, और जैसा मैंने वीडियो में बताया था सेम टू सेम ऐसा ही चल रहा है सिस्टम के अंदर। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट है कि एड्स कॉइन के बारे में बताया जाए, तो इसका वीडियो आ चुका है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड मैं आपको बताऊँगा कि ये फेक कॉइन है या रियल कॉइन है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनकी वेबसाइट की, adscoin.co इनकी वेबसाइट है। मैंने वेबसाइट को चेक किया, वाइट पेपर भी चेक किया, एंड वाइट पेपर इतना खास इन्होंने नहीं बना रखा है। जो एक कॉइन का वाइट पेपर होता है वो भी इन्होंने सही तरीके से नहीं बनाया है। आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, एंड ये कोई कॉइन नहीं है। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूँ, ये एक टोकन है। हालांकि ज़्यादा लीडर्स इस बात को जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं, यह कोई कॉइन नहीं है, ये एक टोकन है। कॉइन और टोकन में फ़र्क होता है, कॉइन वो होता है जिसकी खुद ही ब्लॉकचेन होती है, टोकन वो होता है जो दूसरे की ब्लॉकचेन को यूज़ करके बनाया जाता है, तो उसको एड्स यानी ADS टोकन बोलिए, ADS कॉइन नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं इनके अबाउट अस की। दोस्तों जो भी अबाउट अस इन्होंने मेंशन कर रखा है, ADS कॉइन इज द इंटरनेशनल कम्युनिटी। दोस्तों ये सेम अबाउट अस बहुत सारे प्लेटफॉर्म का आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे रिव्यू करता हूँ, एंड मुझे डेली बेसिस पे जितने भी अबाउटस होते हैं कंपनी को वो पढ़ता रहता हूँ। तो सेम टू सेम अबाउटस आपको और प्लेटफॉर्म का देखने को मिल जाएगा, यानी कुल मिला के बात है दोस्तों, जो भी डेटा उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है वो टोटल कॉपी किया हुआ है। एंड आप मेरे और वीडियोज़ देख सकते हैं, एंड मैं डेली बेसिस पे रिव्यू करता ही हूँ, आप जानते ही होंगे। तो डेटा वेबसाइट पे डाला हुआ कॉपी है, यानी इनका खुद का कोई भी माइंडसेट नहीं है, और ऑलरेडी मैं 2 वीडियो इनके और भी बना चुका हूँ, 2 से 3, एंड अगर आप उन वीडियोस को देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जैसा उन वीडियोस में बोला गया था सेम टू सेम ऐसे ही वर्क कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमने इनका रोड मैप चेक किया। दोस्तों रोड मैप बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रोड मैप में टाइमिंग ना देना बहुत ही बुरी बात होती है। जैसे कि आप अगर रोड मैप बनाते हैं, अगर आप उसमें खुद से टारगेट सेट नहीं करते टाइम का कि मुझे 2022 में करना है जो या 2023 तक ये करना है, तो दोस्तों वो आपको रोड मैप नहीं हुआ। ऐसा ही उन्होंने कर रखा है, इन्होंने लिख दिया ICO लॉन्चिंग, एक्शन डेवलपमेंट, डी एप्स डेवलपमेंट, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, यील्ड फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट, NFT मार्केट प्लेस, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ चिपका रखे मार्केट को देखते हुए कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या कर रहे हैं। बस इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर चिपका दिया सेम टू सेम उठाकर। इनको खुद भी नहीं पता कि स्टेकिंग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, DApps डेवलपमेंट क्या होते हैं। एक बार इनका जो भी ओनर है उससे एक बार पूछिए जाकर कि ये क्या होते हैं, यील्ड फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, NFT मार्केट प्लेस कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इनको कुछ भी नहीं पता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। दूसरी बात, चलो उस बात को भी हम साइड में रख देते हैं, इनको पता है नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर टाइम शो नहीं किया गया है कि ये कब इसको पूरा करने वाले हैं। ISO लॉन्चिंग का कोई टाइम शो नहीं किया गया है, एक्सचेंज डेवलपमेंट का कोई टाइम शो नहीं किया गया है, DApp डेवलपमेंट का कोई टाइम शो नहीं किया गया। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इस काम को करने के लिए 20 साल भी लगा सकते हैं, 30 साल भी लगा सकते हैं, या इस काम को करेंगे भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर ये टाइम शो कर देंगे तो हम उस टाइम पे एग्जैक्ट इनको पकड़ सकते हैं। मान लीजिए इन्होंने बोला कि हम दिसंबर 2022 तक इसको डेवलप कर देंगे, अगर दिसंबर 2022 तक डेवलप नहीं कर पाए तो हम इनको कह सकते हैं कि सर आपने वो काम नहीं किया जो आपने खुद बोला हुआ था। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा स्कैम निकल के आता है, स्कैम ही है, क्योंकि आप लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जाती हैं लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती नहीं है। उसका दोस्तों बात करें अगर इनकी टोटल सप्लाई की, ADS टोकन 1000 करोड़ है टोटल सप्लाई, यहाँ पर इन्होंने टोकन लिखा हुआ है, एंड ऊपर है कॉइन, तो उनको खुद ही नहीं पता कि ये कॉइन है टोकन। उसके बाद है ICO में 200 करोड़ ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, एंड ICO में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं
तो 200 करोड़ टोकन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आईशो ही होता है सबसे बड़ा स्कैम। आप वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये स्कैम है या रियल है। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं, इनकी वेबसाइट पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी नहीं डाला गया है, क्योंकि जब कोई टोकन बनाया जाता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये किस ब्लॉकचेन पे डेवलप किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इन्होंने नहीं डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इनका टोकन को जो ट्रॉन स्कैन वेबसाइट है उस पर स्कैन कर लिया है। दोस्तों, टोकन की इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, यानी एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि टोकन बनता कैसे है, क्योंकि टोकन को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं आराम से बैठ के। कोई यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगने वाला है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाइए, टोकन कैसे बनाए सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। यानी कुल मिला के बात है कि जो ये काम कर रहे हैं वो उतना बड़ा काम नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। टोकन को बनाना बहुत ही सिंपल है, कॉइन को बनाना सिंपल नहीं है, लेकिन टोकन को बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल सप्लाई सो की गई है, जो उन्होंने बताई थी 1000 करोड़, एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई भी यहाँ पर सो की गई है, यानी जो उनकी टोटल सप्लाई है सर्कुलेट हो रही है मार्केट के अंदर 100%। इसकी कोई माइनिंग नहीं होती, इसकी कोई मिंटिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ये कस्टम टोकन है। यानी खुद आपने सप्लाई डाली और उतनी की उतनी सप्लाई सर्कुलेट हो रही है। जैसे कि बिटकॉइन की जितनी भी सप्लाई है वो सारी सर्कुलेट अभी तक नहीं हो रही है मार्केट के अंदर, लेकिन ये टोकन है जिसकी सप्लाई जितनी है सारी की सारी सर्कुलेट हो रही है मार्केट के अंदर। एंड इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस भी शो कर रखा है, एंड इनके लिंक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, और 5720 एड्रेस पे इनका टोकन पड़ा हुआ है। और अगर बात करें यहाँ पर और चीज़ों की, तो यहाँ पर टोटल मार्केट वैल्यू शो नहीं किया गया, मार्केट कैप भी शो नहीं किया गया, ये चीज़ें छुपाई गई हैं। तो यही सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पर निकल के आता है। उसके बाद हमने और भी चीज़ें चेक करी। अगर मैं टोकन होल्डर्स की बात करूँ तो 95% जो टोकन पड़े हुए हैं वो जो फर्स्ट 10 एड्रेस हैं उन पे पड़े हुए हैं। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक एड्रेस है जिस पर 75% सप्लाई पड़ी हुई है, 75%। इसका मतलब ये हुआ है कि ये प्राइस को कभी भी अप डाउन कर सकते हैं, सब चीज़ें इनके हाथ में हैं, कभी भी डाउन कर सकते हैं, कभी भी अप कर सकते हैं, क्योंकि 75% एक ही एड्रेस पे सप्लाई पड़ी हुई है। 9% एक पे है यानी दूसरे एड्रेस पे पड़ी है, 8% तीसरे एड्रेस पे पड़ी है, यानी टॉप 10 एड्रेस पे 95% सप्लाई पड़ी हुई है। दोस्तों, अक्सर मैं टोकन की जितनी वीडियो होती है उनमें बताता रहता हूँ कि टोकन को बिल्कुल भी बाय मत करें, क्योंकि टोकन को बनाना आसान होता है एंड आप लोगों को मूर्ख बनाना भी आसान होता है। जितनी भी चीज़ें अपने PDF के अंदर लिखते हैं या अपना जो उनका वाइट पेपर होता है उसके अंदर लिखते हैं वो टोटली फेक होती हैं, दूसरी को उठाकर लिख देते हैं। यानी जितने भी मार्केट में टोकन हैं वो टोटली स्कैम ही हैं। एंड कॉइन पे आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कॉइन की खुद की ब्लॉकचेन होती है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है कॉइन का, लेकिन टोकन पर बिल्कुल भी भरोसा मत करें। एंड जैसा कि एक एग्जांपल मैंने एड्स कॉइन का आपको दे दिया है, यहाँ पर आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। और धोखा कैसे होगा मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। दोस्तों, आपके सामने मैंने एक टोकन का इमेज शो किया है, इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टोकन का नाम है ATCC, एक काफ़ी पॉपुलर टोकन था एक टाइम पर, एंड आज इसका प्राइस है 0। इस टाइप के टोकन क्या करते हैं, जैसे आपका ADS टोकन है और ये टोकन हुआ और बहुत सारे टोकन हैं, क्या करते हैं स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च होते हैं इन मार्केट में आते हैं तो प्राइस को अप करते रहते हैं, क्योंकि सप्लाई इनके पास होती है सारी, ये धीरे धीरे उसको अप करते रहते हैं और आप सभी को दिखाते रहते हैं, देखो उसकी प्राइस अप हो रहा है, आने वाले टाइम में बिटकॉइन को भी हटा देगा पीछे, बहुत सारी चीज़ें बोलते होंगे। एंड फिर बाद में क्या होता है, जैसे आप उसको परचेज कर लेते हैं हाई पे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका स्टार्टिंग मान लीजिए, अगर एक पैसे से हुआ आपने इसको 10 रुपीज़ पे बाय कर लिया तो 120 रुपये तक ये गया, आपने चार लोगों को और बता कि देखो उसका प्राइस बढ़ रहा है फटाफट बाय कर लीजिए, फिर ये क्या करते हैं कि धड़ाम से उसको डाउन कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं और फिर आपका पैसा 0 हो जाता है। ऐसा ही होता है इन टोकन के अंदर। और यही बोलना चाहता हूँ, जिनके पास सारी की सारी सप्लाई पड़ी हो वो कभी भी स्कैम कर सकते हैं आपके साथ। एंड टोकन पे बिल्कुल भी भरोसा मत करें। ऑलरेडी मैंने इसके 2 वीडियो बनाए हुए हैं, 2 से 3, आप उनको भी देख सकते हैं। और ये वीडियो बना दिया इनके टोकन का, ये टोटली स्कैम है और आपके साथ स्कैम करने आए हैं।
और दोस्तों जिस ATCC टोकन की मैं बात कर रहा था दोस्तों, आज तक इसका प्राइस जीरो ही है, यानी जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था उन सब का पैसा इसमें जीरो हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि दोस्तों जो डेली इनकम आपको दे रहे थे एड से, वो टोकन में क्यों घुस गए। दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, जो कंपनी लीगल नहीं होती है, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता है कंपनी का, तो उनको विड्रॉल देने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, शिफ्ट कर लिया अपने आप को क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है इसको कोई रेगुलेट नहीं करता है क्रिप्टो करेंसी को, तो वहाँ पर विड्रॉल देना आसान हो जाता है क्योंकि उनको कोई ट्रैक नहीं कर सकता है, एंड ऐसा इनका सोचना है। लेकिन आजकल ट्रैक सब कुछ किया जा सकता है, अगर ये बड़ा स्कैम करने चलेंगे इसके अंदर तो ये फंस जाएंगे, क्योंकि पहले भी बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए हैं टोकन के अंदर, तो लोग फंसे हैं उसके अंदर, तो ये भी फंसेंगे। एंड इसलिए बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी इसमें टीम बनी हुई है, आप पैसा कमा रहे हैं, तो फटाफट अपना पैसा को विड्रॉल कीजिए, उससे आउट हो जाइए, नहीं तो किसी दिन आपके साथ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, नहीं आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके उसका नाम बताएं, हम उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, एंड ऐसी वीडियो वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। थैंक्स।